नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं बीच में गायब क्यों हो गया था और क्यों मैं वापस प्रकट हुआ है। बच्चों, मैं थोड़ा सा जेई एडवांस को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ और जेई मेंस तो हमारा चल ही रहा था, नीट भी चल ही रहा था। बात ऐसी है, आज वापस चेहरा दिखाने का मेन कारण यह है कि जेईई एडवांस में जो चेंजेस हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। अभी आज सीबीएसई बोर्ड ने एचआरडी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ नोटिस जारी किया है और सीबीएसई बोर्ड वालों ने कुछ दिन पहले वेबसाइट पे अपना प्रैक्टिस सीट जारी किया था और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि हर एक बच्चों को इसी से तैयारी करनी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चे सीबीएसई में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को वो पेपर जाकर देखना चाहिए। तो एक बार आप वेबसाइट पे खोलें, पहला चीज़ तो इन्फॉर्मेशन गेन करें। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है आज का जो न्यूज़ है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। आपको जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसके वेबसाइट पे भी, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ देखिए और क्या क्या चेंजेस हुए ये देखिए। और मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में जो कोचिंग सेक्टर है बहुत खतरनाक तरीके से बूम करेगी। स्कूलों का थोड़ा सा वेटेज, वैसे स्कूल्स जो बच्चों जो मतलब इस तरह से प्रिपरेशन करवा रहे हैं बच्चों को कि मतलब इजी इजी क्वेश्चन करवा कर, जैसे बोर्ड था हमारे पास, तो अब जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आ रहा है तो उसमें बोर्ड पैटर्न हट जाएगा और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड में भी वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जाएं देखें, अच्छे से रिसर्च करें और अकॉर्डिंगली हमें कहाँ पे क्लास करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस टीचर के साथ पढ़नी चाहिए, ये सभी चीज़ जाकर अच्छे से एनालिसिस करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए या फिर कुछ उस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा हूँ, बट फिर भी अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आप बताओ मुझे, मैं आपके लिए बनाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। 2024 के बच्चों के लिए खास करके आज जो मैंने बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी 2024 में अपियर होने जा रहे हैं जेई एडवांस में और जेई मेंस में, उन बच्चों को चाहिए कि एक बार वेबसाइट चेक करें दोनों का भी, मतलब खास करके सीबीएसई के बच्चों को, तो उनको चाहिए कि एक बार वेबसाइट चेक करें और चेक करने के बाद आप जाकर उसमें सर्च करेंगे क्या ऐसा अपडेट है जो हम नहीं जानते हैं और हमें कैसे जानना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। इसके लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाइए, एक सैम्पल पेपर डाउनलोड करिए, उस पेपर को देखिए और देखिए कि किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, ये सारा चीज़। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।